Good morning, student. This is next video on physical feature of India. In the previous video, we have studied that India has different physical features like mountains, plains, plateaus, desert. Basically, हम इस chapter में पढ़ते हैं कि physical features बने कैसे हैं India के. इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि we have different types of rock, soil. उसके reason भी पढ़े हमने. क्यों है हमारे पास variation? अब हम पढ़ रहे हैं कि ये माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं या नॉर्दर्न प्लेन जो है, प्लेट्यूज जो है, वो कैसे बने हैं. उसमें सबसे पहले हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो साइंटिस्ट ने बनाई है. उसके हिसाब से जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में. पहली पढ़ी थी हमने कन्वर्जन प्लेट, सेकेंड डाइवर्जन प्लेट और थर्ड है ट्रांसफॉर्म प्लेट. देखो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज हाउ कन्वर्जन प्लेट मूव, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट मूव. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आई टोल्ड यू कि हम पहले गोंडवाना लैंड के हिस्से में आते थे. मैंने बताया था आपको ये दिस पर्टिकुलर गोंडवाना, दिस इज वेयर वी लाई. और ये वाला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो मूव करता हुआ यहाँ के यूरेशियन प्लेट से टकराया था. और बीच में क्या है बेटे, देखो इसमें टेथिस सी है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हम नॉर्दर्न हिमालयाज को स्टडी करना. ये देखो गोंडवाना लैंड कंसिस्ट ऑफ ये सारे एरियाज को कंसिस्ट करता था. ठीक है, जब इसने ड्रिफ्टिंग स्टार्ट की, देखो दिस इज हाउ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है मूव होनी स्टार्ट की. और किससे जाके टकराई, यूरेशियन प्लेट से. आपको नाम दिखाई दे रहा है ऊपर, यूरेशियन प्लेट से. और मैंने आपको इसे प्रीवियस वाले मैप में दिखाया था कि हमारे पास इसके बीच में कौन सा है, टेथिस सी. इसको याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लुक एट दिस मैप. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हिमालयन रेंजेस हैं, ये सारे हिमालयन रेंजेस जो हैं वो किस तरह से बने. ठीक है, अब हम इससे स्टार्ट करेंगे. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना. ठीक है, नेक्स्ट में विल टॉक अबाउट पेनिनसुला प्लेट्यूज. अब हम नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ रहे हैं. आप इमेजिन करो कि वो जो पार्ट मैंने आपको दिखाया था जो ड्रिफ्ट कर रहा था, धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा था, तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा था. ठीक है, ये वाला हिस्सा था हमारे पास ये. और जब ये इसे टकराया जाके तो ये हिमालयन रेंजेस बने. ठीक है, उसके फुट हिल पे क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन. अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. फॉर्मेशन ऑफ बोथ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया है हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन. द फिजिकल फीचर्स हैं जो इंडिया के आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ बने हैं, एक दूसरे की वजह से बने हैं. एंड कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ये मैंने आपको बताया था कि हम जो है क्या थे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में थे हम. जब ड्रिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ आए और यूरेशियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट से हम जब टकराए तो बीच में क्या था, टेथिस सी था. ड्यू टू कोल्यूशन विद यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट मैंने आपको ऊपर दिखाई थी. देखो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट्स, जब ये यहां आके टकराई तो इससे क्या हुआ, द सेडिमेंट रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस सी में जो सेडिमेंट्स पड़ा था, दे वर फोल्डेड. मैंने आपको फोल्डिंग की एक्टिविटी दिखाई थी, वो किस तरह से फोल्ड हो जाता है, टू फॉर्म द हिमालयन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयस. दिस इज हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड. ठीक है, दो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट होती है, कहाँ जा रही थी वो, सरकती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी. और किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई. और उसके बीच में क्या था, टेथिस सी था. जितने भी सेडिमेंट्स थे दे वर फोल्डेड, फोल्ड होते चले गए वो, टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयस. दिस इज हाउ द हिमालयस वर फॉर्म. अब हम किसकी बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन की. ओके, ये देखो इमेजेस, देखो नॉर्दर्न हिमालयस की. देखो मैंने आपको बताया था कौन से इससे बना है, ये कौन से मूवमेंट से बना है. देखो बेटे मैंने क्या बताया था आपको कि ये कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट से नॉर्मली क्या बनते हैं, फोल्ड एक्टिविटीज होती है और हिमालय माउंटेन्स बनते हैं, है ना. देखो कन्वर्ज को आप कोरिलेट करो. अब आपने कन्वर्जेंट को कोरिलेट करना है, कैसे करना है, देखो मैंने बताया था प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, फोल्डिंग की एक्टिविटी होती है, फोल्डिंग फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होता है. देखो मैंने आपको बताया था ये इंडिया है और ये यूरेशियन प्लेट सपोज करो ये है, ये से टकराता है तो ऐसे फोल्ड होता जाता है. बीच में देख रहे हो
ये फोल्ड होते जा रहे हैं. दिस इज हाउ हिमालयाज आर बीन फॉर्म्ड. अब आप इस इमेज को देखो, ये कौन सा है? देखो प्लेट्स दो एक सेम डायरेक्शंस में आ रहे. कौन सा मूवमेंट है? कन्वर्जेंट वाला. और इसमें जो बीच में टेथे सी था उससे क्या हो गया? सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए और हिमालयाज की फॉर्मेशन. दिस इज ऑल अबाउट हिमालयाज. नाउ विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. इससे पहले ना आपने एक एक्टिविटी करनी है. अपने दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शंस में लेकर आओ, ठीक है? और अब देखो कि ये जो दोनों उंगलियां जहाँ टच होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा और उसको आप नॉर्दर्न, उसको आप माउंटेन्स मानिए, आपने हिमालयाज माना. और उसके जहाँ फुट हिल, मतलब जहाँ हाथ खत्म हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है? गड्ढा सा बन जाता है. ऐसे ही वहाँ प्लेन एरिया बन गया और वो क्या कहलाया? नॉर्दर्न प्लेन. देखो कोल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल. किसके फुट हिल पे? नॉर्दर्न हिमालय, सॉरी हिमालयास के फुट हिल पे. ड्यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय. अब ये जो हिस्सा था वो कैसे फिल हुआ? फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयास. हिमालय से हमने पिछले साल रिवर्स पढ़ी थी कि रिवर्स जो हैं नॉर्दर्न हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर्स और अदर सोर्स होते हैं जिससे पानी के रिवर्स जो हैं फ्लो होती हैं. वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? सेडिमेंट्स लेकर आती हैं. सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज, उसने क्या किया? उस उन सेडिमेंट्स को क्या कर दिया? वहाँ डिपॉजिट कर दिया. जैसे हमने पढ़ा था ना, इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, ये डिपॉजिट करते गए अपने सेडिमेंट्स को क्योंकि वहाँ गड्ढे थे. उन्होंने धीरे धीरे उनको भरना शुरू कर दिया. द एरिया बिटवीन द हिमालयाज इन नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेट्यूज इन द साउथ कॉल्ड फिल्ड विद द एलुवियल सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट्स. मैंने आपको बताया था ऊपर जो है फोल्ड होने की वजह से हिमालयाज बन गए और नीचे वाला पुराने वाला हिस्सा जो गोंडवाना में जो हमारा हिस्सा था वो पेनिनसुला प्लेट्यूज था, वो पुराना हिस्सा है. तो बीच में अब क्या नया बना? हिमालयन माउंटेन्स बने और उसके फुट हिल पे क्या बन गया? नॉर्दर्न प्लेन बन गया. और नॉर्दर्न प्लेन जो है बेसिकली किससे फिल किया गया? धीरे धीरे किससे फिल हुआ? वो सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयाज. और कौन से? एलुवियल डिपॉजिट से. दिस इज हाउ द नॉर्दर्न प्लेन वॉज फॉर्म्ड. अब ये मैप देखो बेटे, हिमालयाज जो है वो फॉर्म, ये क्लियर है किस तरह से बने हमारे? अब इसके फुट हिल पे, यहाँ ये फुट हिल हुआ इसका, ठीक है? इस फुट हिल पे क्या बन गए? नॉर्दर्न प्लेन. और यहाँ जो है, और ये पुराने वाला हिस्सा था जो आके यहाँ से टकराया था, ठीक है? तो ये इसकी फुट हिल पे बन गया. जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपने इमेजिन करना है जैसे दोनों अपने हाथ जो है कन्वर्जेंट उसमें आने हैं, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे उगती चली जाएंगे उंगलियां और ये हिस्सा नीचे जो है वो फुट हिल बन जाएगा इसका, और ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा गहरा हो जाएगा. और उसको कौन भरेगा? हिमालया से जो रिवर आई है वो धीरे धीरे इस हिस्से में आई है और उन्होंने अपने साथ जितने भी सेडिमेंट, सिल्ट ये सब लेकर आए, धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट कर दिए और इसको फर्टाइल एरिया बनाया. ओके, नाउ क्लियर विद द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नाउ विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यूज. फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू वॉज मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी विच अकर्ड ड्यूरिंग प्लेट मूवमेंट. प्लेट की मूवमेंट होते हुए जो वोल्केनिक एक्टिविटीज, उसकी वजह से ये बना. पेनिनसुला प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशियंट लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ सर्फेस. मैंने आपको बताया था ये गोंडवाना का हिस्सा है हमारे पास. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड. क्यों है स्टेबल लैंड? क्योंकि वो पुरानी है बेटे. हिमालयन माउंटेन्स को यंग पोल माउंटेन्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? श्योर नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो नया है. बिकॉज चेंजेस फर्स्ट आकर इन हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन. हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन आर बेसिकली कॉल्ड यूथफुल टोपोग्राफी. अभी बनी है इसलिए कहते हैं हम. पेनिनसुला प्लेट्यूज को ओल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पुराना गोंडवाना का हिस्सा है. फाइन विद दिस, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. थैंक यू सो मच.